हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है, तो ये देखिए खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है राजस्थान में भूरी क्रांति। क्वेश्चन नंबर थ्री है, राजस्थान में रिक्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो राजस्थान में रिक्को का मुख्यालय है जयपुर में। और रिक्को क्या है, राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, ये राजस्थान का औद्योगिक एवं विनियोग जो है निगम है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान का अणुशक्ति गृह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है, तो कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया है। कौन से देश की सहायता से, कनाडा की सहायता से अणुशक्ति गृह। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए राजस्थान में जो है वन, राजस्थान में पिछले 25 वर्षों में भूमि उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, सकल बोया गया क्षेत्र में। राजस्थान में पिछले 25 वर्षों में भूमि उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस क्षेत्रफल में, किसके क्षेत्रफल में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, सकल बोए गए क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी की दृष्टिकोण से भारत में जयपुर का स्थान कौन सा है या कौन सा था, अभी है नहीं है, 2011 की जनगणना की बात हो रही है, तो इस टाइम पर जो है भारत में जयपुर का स्थान कौन सा था, 11वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में जो है, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सबसे अधिक होता है, हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 1559 ईस्वी में उदयपुर को किसने बसाया था, उदय सिंह ने, 1559 ईस्वी में उदयपुर को उदय सिंह ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 9, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय पार्क है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, कहां पर है, भरतपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को समी वृक्ष के नाम से जाना जाता है, खेजड़ी को। क्वेश्चन नंबर 11, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी जो है किसे बनाया, आहड़ को, आहड़ को बनाया था बप्पा रावल ने अपनी राजधानी। क्वेश्चन नंबर 12, लूनी नदी बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी है, दूसर मिट्टी, दोमट, मटियार मिट्टी इसे कह सकते हैं, लूनी नदी बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 13, मिट्टी कटाव को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 14, विजय स्तंभ जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में, सॉरी, विजय स्तंभ जो है राजस्थान के किस किले में स्थित है, जहां पर जिला नहीं यहां पर किला है, तो विजय स्तंभ जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है विजय स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की जो है शुरुआत कब हुई, कब प्रारंभ की गई है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, 1 दिसंबर 1997 में की गई थी 1 दिसंबर को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास नदी। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास नदी। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में सागरी प्रथा प्रचलित थी, इसी का दूसरा नाम है हाली प्रथा। राजस्थान में सागरी प्रथा जो है प्रचलित थी और इसी का दूसरा नाम क्या है, हाली प्रथा। क्वेश्चन नंबर 4, वृहद आकार की सबसे अधिक औद्योगिक इकाइयां राजस्थान के किस जिले में स्थित है, उदयपुर में। वृहद आकार की सबसे अधिक औद्योगिक इकाइयां राजस्थान के किस जिले में स्थित है, उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा मैग्नीज होता है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए चंबल सागर अभ्यारण्य जो घड़ियाल के लिए फेमस है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में भेड़िए पाए जाते हैं, माउंट आबू अभ्यारण्य जो है जंगली मुर्गों के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य ऐसे शेर का जो है गलत है, यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य ये जो है उड़न गिलहरी के लिए फेमस है, किसके लिए, उड़न गिलहरी के लिए, तो ये गलत होगा, यहाँ पर ऐसे शेर गलत होगा, यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य के सामने आएगा उड़न गिलहरी। क्वेश्चन 7, स्थाई चारागाह
स्थायी चारागाह गोचर भूमि का सबसे अधिक क्षेत्र किस जिले में है? बाड़मेर में। स्थायी चारागाह व गोचर भूमि का सबसे अधिक जो है क्षेत्र किस जिले में है? बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है विजय स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के किस जिले में गायों की संख्या सर्वाधिक है? उदयपुर में। सबसे ज्यादा गायें उदयपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के पूर्वी जिलों में कछारी मिट्टी का बाहुल्य है, निम्न में से किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मिट्टी का है? धौलपुर का। धौलपुर एक पूर्वी जिला है और राजस्थान के पूर्वी जिलों में कचारी मिट्टी का जो है बाहुल्य है, मतलब ज्यादातर मिट्टी पाई जाती है, कचारी मिट्टी पाई जाती है पूर्वी जिलों में। तो धौलपुर जिला जो है राजस्थान का यह सर्वाधिक कचारी मिट्टी वाला जो है क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल गैप्स विद्यमान है? मध्यवर्ती जो भाग है अरावली पर्वतमाला का, यहाँ पर सर्वाधिक अंतराल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विशेषकर राजस्थान से संबंधित है? तो ये सभी जो है सभी राजस्थान से संबंधित है, अगंगो, रक्षित धरती, गोगन में, ये सभी तीनों त्यौहार जो है राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, राजस्थानी भैंसों की सर्वाधिक संख्या किस जिलों में है? जयपुर में। जयपुर में सबसे ज्यादा भैंस जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विराटनगर निम्न में से किसका आर्यकालीन नाम हुआ करता था? जयपुर का। विराटनगर निम्न में से किसका आर्यकालीन नाम हुआ करता है? जयपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बीकानेर शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? रामलाल व अलीरजा हसन जो है बीकानेर शैली के फेमस कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, रमाबाई के लिए विशेषण जो है प्रयुक्त हुआ है, तो बागेश्वरी कहा जाता है रमाबाई को, और ये विशेषण जो है प्रयुक्त हुआ है रमाबाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उपरमाल क्या है? चित्तौड़गढ़ पर भीलवाड़ा की पटवारी भूमि को उपरमाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, रामसागर वन विहार कहाँ है? धौलपुर में। रामसागर वन विहार कहाँ है? धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, किस रानी ने अपना सिर काटकर अपने पति को दिया था? हाड़ी रानी ने। बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक का आगमन किस वर्ष हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक का आगमन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन में आए थे विजय सिंह पथिक, कब आए थे? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, राजस्थान के निम्न में से किस शहर को किलो का शहर कहा जाता है? जोधपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान का रुणेजा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार की प्रेरणा देता है? सांप्रदायिक सद्भाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जैसलमंद वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है या कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में है जैसलमंद वन्य जीव अभ्यारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कुंभकालीन रणकपुर लेक में बूंदी का क्या नाम मिलता है? वृंदावती। कुंभकालीन रणपुर के लेक में बूंदी का क्या नाम मिलता है? वृंदावती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान प्रदेश पुलिस को सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ध्वज कब प्रदान किया गया था? तो 1954 में किया गया था प्रदान ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के किस जिले में तहसीलों की सबसे संख्या जो है सबसे कम है? जैसलमेर में सबसे ज्यादा कम तहसील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मध्य रेलवे के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा जिला आता है? धौलपुर। मध्य रेलवे के अंतर्गत राजस्थान का धौलपुर जिला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की आकृति कैसी है? विषमकोण, चतुर्भुज या पतंग के आकार के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? चौहान और तुर्कों के मध्य हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। चौहान तो कौन था? पृथ्वीराज चौहान था, और तुर्क कौन था? मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, गुर्जर प्रतिहारों का राष्ट्रकूटों से युद्ध हुआ था, कब हुआ था?
806 से 708 ईस्वी के बीच में गुर्जर प्रतिहारों का राष्ट्रकूट हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? अजमेर में राजस्थान में हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन जबकि जोधपुर, जयपुर, उदयपुर ये तीनों, इन तीनों जिलों में हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? जयपुर में। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन से राज्य राजस्थान की पूर्वी सीमा निर्धारित करते हैं? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में आर्थिक सुधारों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में क्या कहना उचित होगा? साधारण रूप से गतिशील। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो आयताकार है तथा कच्छ की खाड़ी तक फैला है और जो दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा के बहुत निकट स्थित है? तो ये जालौर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किन दो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्यों का राजस्थान से संबंध था? कणसेव कोटा और पुटोली चित्तौड़गढ़। इन दो अभिलेख, ये दो अभिलेख है, कणसेव कोटा का कणसेव और चित्तौड़गढ़ का पुटोली। इन दो अभिलेखों से ये ज्ञात होता है कि मौर्यों का राजस्थान से संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के दक्षिणी जिलों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? लाल दोमट। राजस्थान के दक्षिणी जिलों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है लाल दोमट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राज्य की सिरोही रियासत में संसभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। गोविंद गिरी ने स्थापित की थी संसभा सिरोही जिले में, सिरोही रियासत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में पलाना, कपोड़ी और मेड़ता रोड में पाया जाता है क्या? कोयला। राजस्थान में पलाना, कपोड़ी और मेड़ता रोड में कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, दिलवाड़ा मंदिर में कितने प्रांगण बने हुए हैं? तो 5 प्रांगण बने हुए हैं दिलवाड़ा मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बूंदी नगर की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? राज देवाजी ने की थी बूंदी नगर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, महेंद्रपाल किसका उत्तराधिकारी था? वत्सराज का। महेंद्रपाल वत्सराज का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, राजस्थान को कितनी कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, डीडवाना झील किस जिले में स्थित है? नागौर जिले में। डीडवाना झील जो है नागौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, निम्न में से किस मादक पदार्थ को काला सोना कहा जाता है? तो अफीम को कहा जाता है ये काला सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के किस फल का उपयोग देसी शराब बनाने में किया जाता है? तो महुआ के फल का यूज किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, यदि यूरोपीय तकनीक को अपनाते हुए अजमेर के किस किले का जीर्णोद्वार किया जाए तो ये दूसरा जिब्राल्टर बन सकता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है बिशप हेबर का, और बिशप हेबर ने जो है ये स्टेटमेंट दिया था कौन सा, यदि यूरोपीय तकनीक को अपनाते हुए अजमेर के किले का जीर्णोद्वार किया जाए तो ये दूसरा जिब्राल्टर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्न में से अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कौन से जिले आते हैं? झालावाड़ और बांसवाड़ा। अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, गोगाजी के घोड़े का रंग कैसा था? तो नीला था इनका घोड़ा, नीले रंग का घोड़ा था गोगाजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, राजस्थान राज्य में मसाला उद्योग के लिए फेमस है? तो झुंझुनू फेमस है राजस्थान राज्य में मसाला उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, जीण माता का मंदिर किस स्थान पर है? तो ये सिक्कर में है जीण माता का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, राजस्थान में मिट्टी से संबंधित समस्या कौन सी है? तो ये है भूमि की उर्वरा शक्ति का निरंतर कम होना, लगातार कम हो रही है भूमि की जो है उर्वरा शक्ति, तो ये राजस्थान में मिट्टी संबंधित जो है प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, देखिए कंवरसेन लिप्त नहर का संबंध किस जिले से है? बीकानेर से। कंवरसेन लिप्त नहर का संबंध किससे है? बीकानेर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्न में से किस स्थल के पास सरस्वती व यमुना मिलकर हकरा के नाम से दक्षिणी पश्चिम में चलकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है? तो यह है सूरतगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, गोवर्धन पर्वत की पूजा किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी कृष्ण ने, गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई थी कृष्ण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 14,
केसवरी नाथ जी का जो मेला है चैत्रवती अष्टमी को कहां पर लगता है? तो धलेव गांव मेवाड़ में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति की वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे सशक्त कारक निम्न में से कौन सा है? मिट्टी की दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, भीलवाड़ा जिले का मुख्य नृत्य कौन सा है? तो उपयुक्त सभी इसके जो है आंसर होंगे, तो गैर नृत्य भी भीलवाड़ा जिले का है, गोरी नृत्य, कठपुतली, ये तीनों ही नृत्य भीलवाड़ा जिले के मुख्य नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, वर्ष 2001 की जनगणना में राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो ये जैसलमेर का किया गया था, पुरानी बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, राजस्थान में किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है? तो ये पाली है, पाली जिले की जो सीमा है 8 जिलों की सीमा को टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, उत्तम किस्म का चूना पत्थर राजस्थान में कहाँ मिलता है? तो ब्यावर, अजमेर, पाली में उत्तम किस्म का चूना पत्थर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिमी दिशा में डायरेक्शन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भाखड़ा नांगल परियोजना या भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट में राजस्थान का हिस्सा कितना परसेंट है? तो 15.22% इसका हिस्सा है राजस्थान का। नेक्स्ट गरासिया जनजाति का मुख्य त्योहार कौन सा है? गरासिया जाति का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो ये होली, होली जो है गरासिया जनजाति का मुख्य त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, अंगूठे और अंगुलियों के बीच छल्ले को चेन से जोड़कर पायल की तरह पैर के ऊपर हुक से जोड़ा जाता है, उसमें जड़ाई का काम भी किया जाता है तथा ये हथफूल की तरह होता है, इस आभूषण का क्या नाम है? पंगपान इसका नाम है। क्या नाम है? पंगपान। देखिए इसका ये आंसर होगा पंगपान। अंगूठी व उंगलियों के बीच के सॉरी अंगूठी व उंगलियों के छल्ले को चेन से जोड़कर पायल की तरह पैर के ऊपर हुक से जोड़ा जाता है, उसमें जड़ाई का काम भी किया जाता है, ये हथपुल की तरह होता है, इस आभूषण का क्या नाम? पंगपान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में गणेश मेला किस स्थान पर लगता है? रणथंबोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चार हाथों वाले देवता के रूप में किसकी ख्याति हुई? वीर कल्ला जी की। चार हाथों वाले चतुर्भुज देवता के रूप में किसकी ख्याति हुई? वीर कल्ला जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संसार का प्राचीनतम जुता हुआ खेत किस स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से, जुते हुए खेत के साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तमंचा शाही सिक्का राजस्थान में किस रियासत के टकसाल से जारी हुआ करता था? तो धौलपुर की रियासत से, ये जो धौलपुर रियासत के टकसाल से जारी हुआ करता था ये तमंचा शाही सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जून माह में राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में न्यून वायुदाब रहता है, क्यों रहता है? सूर्य के अधिक प्राप्ति, सूर्य के ताप की अधिक प्राप्ति और समुद्र तट से दूरी होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा की प्रमुख शैली कौन सी है? तो सभी जो शैलियां हैं राजस्थानी भाषा की प्रमुख शैलियां हैं, जैन चारण शैली, संत शैली, लोक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, राजस्थान में कोस नलकूप से कितने परसेंट सिंचाई होती है? 66.54%, 66.54% जो है राजस्थान में कोस नलकूप के द्वारा सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, जफनाती संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नागौर से, जफनाती संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी नागौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बाबू जी के पिता का क्या नाम था? धांधल जी। बाबू जी के पिता का क्या नाम था? धांधल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, राजस्थान का वह मेला कौन सा है जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है? ये कोलायत मेला है और ये कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये राजस्थान का कौन सा जिला इमारती पत्थर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? जोधपुर।
राजस्थान के कौन सा जिला इमारती पत्थर के उत्पादन प्रथम स्थान पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 7, राजस्थान के ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन जो सभ्यता है ये कौन सी है? कालीबंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, राजस्थान राज्य में ग्वार गम पाउडर उद्योग का प्रमुख केंद्र है? जोधपुर। ग्वार गम पाउडर उद्योग का प्रमुख केंद्र है राजस्थान में जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, देखिए निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी पाई जाती है, सही है। कोटा झालावाड़ में ये काली मिट्टी पाई जाती है, सही है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी, सही है। लेकिन ये जो हनुमानगढ़ और गंगानगर जो है उत्तरी जो जिले हैं यहाँ पर भूरी बलुई मिट्टी मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, तो यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, राज्य में दशमक गुलाब चेती गुलाब कहाँ उगाया जाता है? खमनौर में। और खमनौर कहाँ पर है? राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो चिंकारा जो है राजस्थान का राज्य पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में कूलर उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर। राजस्थान में कूलर उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस है? बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गंगानगर जिले में केंद्रीय सरकार ने किस स्थान पर कृषि फार्म स्थापित किया? जैतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है? रावतबाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला प्रथम स्थान पर है मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, राजस्थान राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? फतेहपुर सेकावटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान इतिहास कांग्रेस का उदयपुर में आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1963 ईस्वी में, 1963 में। राजस्थान में अर्जुन वृक्ष लगाने का उद्देश्य है टसर रेशम तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, राजस्थान में जल विद्युत शक्ति के विकास में बाधक है बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1984 में, 1984 में हथकरघा विकास निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बालोतरा से आगे लूनी नदी के जल में खारीपन का प्रमुख कारण है इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता। बालोतरा बाड़मेर में है और यहाँ से लूनी नदी का जो पानी होता है वो खारा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ ये जो प्रवाह क्षेत्र है ना, ये जो प्रवाह क्षेत्र है यहाँ की मिट्टी लवणीय है, लवणीय मिट्टी की अधिकता के कारण ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत कौन सा है? बिछुड़ो। हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है बिछुड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, राजस्थान में तृतीय कल्प ट्रस्टी के सेल समूह कहाँ विद्यमान है? बीकानेर बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ विकसित किया गया है? सीतापुरा जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, मेमंद किसे कहते हैं? मेमंद किसे कहते हैं? सिर पर पहने जाने वाले आभूषण को मेमंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा वाद्य कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ बजाया जाता है? जांज बजाया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की वार्षिक वर्षा की मात्रा में कमी के होने का कारण है? राजस्थान में दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की वार्षिक वर्षा की मात्रा में कमी होने का क्या कारण है? वायु की आर्द्रता में कमी, क्रमशः कमी आना, वायु की आर्द्रता में कमी लगातार कमी आ जाती है, तो इस कारण यहाँ जो वार्षिक वर्षा की मात्रा में भी कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, राजस्थान में नई विद्युत नीति की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं? ये सभी कदम जो है राजस्थान नई विद्युत नीति की दिशा में कदम उठाए गए कदम है। पहला कौन सा है? देखिए विद्युत सृजन में निजी क्षेत्र की भागीदारी,
विद्युत वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी, राज्य विद्युत नियामक प्राधिकरण की स्थापना, ये सभी जो है नई विद्युत नीति के दिशा में उठाए गए कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की थी? तो 1887 में की थी कांग्रेस कमेटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, वह सभ्यता स्थल कौन सा है जहां से हार्पून है यहाँ पर कि प्रागैतिहासिक युग का आयुध है, एक हार्पून क्या है, प्राग इतिहास से पूर्व युग का आयुध है जो बड़े जानवरों का शिकार करने के काम आता था, प्राप्त हुआ है तो मलहा भरतपुर से, भरतपुर का जो मलहा सभ्यता स्थल है वहां से ये प्राप्त हुआ है हार्पून। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, राजस्थान में विश्वास योजना का संबंध किससे है, विकलांगों से, राजस्थान में विश्वास योजना का संबंध किससे है, विकलांगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव, मेवाड़ के जिस राज्य को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा उस शासक का नाम था, रतन सिंह, मेवाड़ के जिस राजा को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा उस शासक का नाम क्या था, रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, शकुन शास्त्र का ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है, हड़बू जी को, शकुन शास्त्र का ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है, हड़बू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जयपुर, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन एट, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों विकास परिवहन विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 2002 में की गई थी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, देवगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित किला कौन सा है, दौसा का किला जो है देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पहला कथन है ब्रतरी नामक तीर्थ स्थल अलवर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, ब्रतरी नाथ संप्रदाय के एक महान संत थे, ब्रतरी उज्जैन के लोकप्रिय शासक थे, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ब्रतरी मेले का आयोजन किया जाता है, तो फोर्थ वोक वाला जो है ये यहाँ पर गलत है, सही नहीं है, और ब्रतरी नामक तीर्थ स्थल है अलवर से 35 किलोमीटर दूर है ये सही है, और नाथ संप्रदाय के महान संत ब्रतरी ये भी सही है, और ब्रतरी उज्जैन के जो एक जो है फेमस शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कपूरडी व जालीपा में विद्युत उत्पादन किससे किया जाता है, लिग्नाइट से, कपूरडी व जालीपा में लिग्नाइट से विद्युत उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, संगमरमर की मूर्तियों और कलाकृतियों के निर्माण में अग्रणी है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान सिलिका उत्पादन में भारत में कौन सा, राजस्थान सिलिका उत्पादन में भारत में कौन से स्थान पर है, 12 है, सॉरी दूसरे, सिलिका उत्पादन में राजस्थान कौन सा स्थान है, भारत में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देखिए अकबर द्वारा किसे दवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो सूर सिंह को किया गया था दवाई राजा की उपाधि से सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सीकर जिले की पहाड़ी जिसमें भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु धुंधलता सफेद इमारती पत्थर उपलब्ध होता है, तो सभी पहाड़ियों से होता है सीकर जिले की पहाड़ी जिसमें भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु धुंधलता सफेद, देखिए सीकर जिले की कौन सी पहाड़ी है, ये तीनों पहाड़ियां सीकर जिले की है, रघुनाथगढ़, श्यामगढ़, देवगढ़, और यहाँ से सफेद इमारती पत्थर उपलब्ध होता है भवन निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, चार रियासतें मत्स्य संघ में शामिल थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ समाप्त होती है, तो ये होती है सहागढ़ बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मेरिनो ऊनी खादी का उत्पादन करने में राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले पर फेमस है, बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सेवन घास किस जिले में स्थित रूप से उगती है, यहां पर इसका जो आंसर है गलत है, जैसलमेर आएगा इसमें, कि सेवन घास किस जिले में स्थित रूप से उगती है, जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की जो है संख्या कितनी है, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन 7,
थार मरुस्थल का एकमात्र प्रभाव बेसिन क्रिमिन में से किस क्षेत्र में है? गोदवार क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विजय सिंह पथिक भूप सिंह का जन्म क्या था? गुलावटी बुलंदशहर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, राजस्थान में भोपो का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? रावणत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लंबी रेखा किस राज्य से जानते हैं? रेडक्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के पश्चिम भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से एक प्रमुख कारण है? धरातल का स्वभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 1561 ईस्वी में कितने बार्मल के संबंधी हो जगन्नाथ राज सिंह खागर को अमानत के रूप में अपने पास रखा था? मिर्जा सरफुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गणगौर पर स्त्रियों का नृत्य करती है कौन सा? घूमर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में प्रभावित होने वाली कौन सी नदी हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से निकलती है? घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिवर्ष आसोज बुद्धि नवमी को लगने वाला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जेठा बुट्टा मेला राजस्थान किस जिले में लगता है? भरतपुर में। और ये मेला जो है हिंदू मुस्लिम एकता का मेला है, जेठा बुट्टा मेला भरतपुर में लगता है।